Hello everybody, welcome to our channel Docket Babies. I am Dr. Nupa Ghosh. So first of all, आप सबको बहुत ही happy happy दुर्गा पूजा, happy नवरात्रि, जो भी आप बोलते हैं. May this festival bring a lot of happiness to your family. और आप सब लोग खूब enjoy करिए, खूब मजे करिए इस festival को. और जल्दी जल्दी दिवाली के लिए भी wait करिए, दिवाली की भी तैयारियाँ करिए जो next आ रहा है. तो इस फेस्टिवल मूड में मैं आपके लिए जो आज वीडियो लाई हूँ वो ये है कि हमारा जो मॉम्स का स्पेशली सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा है. तो इससे मैंने एक वीडियो इसके लिए पहले भी बनाया, आप वो भी देखिएगा. आज मैं कुछ और टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि कुछ आप जो चीज़ें कर सकते हो ताकि आपका बच्चा और अच्छे से खाना खाए. देखिए, हम मॉमीज इस चीज़ से बहुत वरिड हो जाते हैं और सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा, स्पेशली हम डॉक्टर के पास, क्या हमारा बच्चा ठीक से खाना खा रहा है, क्या उसे और खाना चाहिए, क्या वो कमज़ोर तो नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. आप मेरी बात नहीं मानेंगे बट ऑलमोस्ट 40-50% जो बच्चे होते हैं जनरली उनको हम फसी ईटर्स के कैटेगरी में ही डालते हैं. कम से कम इतने बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपरली नहीं खाते हैं, कम खाना खाते हैं. ये ऑलमोस्ट मतलब मैं आपको बता रही हूँ 40-50% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है. लगभग 50% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि वो अच्छे से खाना खा रहे हैं. तो ये बहुत वरी करने की बात नहीं है. सबसे पहले आप कुछ ट्रिक्स ट्राई करते रहिए. एज अ मॉमी आप बेस्ट जज हो, सो आप कुछ ट्रिक्स ट्राई करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका बच्चा खाना खा रहा है. तो विदाउट एनी डिले मैं आपको फटाफट ट्रिक्स पे लाती हूँ और आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट की कुछ ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने जाचवी के ऊपर अप्लाई की और वो काफ़ी वर्क की है. ओके, सो टिप नंबर 1, शुगर कोटेड, यानी कि हल्का सा चीनी हो जाए. देखिए, बेसिकली बात ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है हमारा वो थोड़ा सा स्वीट होता है और उस स्वीटनेस के कारण ही बच्चों को आदत होती है कि हल्का सा मीठे की. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम बच्चे को खाना दे रहे हैं तो आप फ्रूट जूसेस जो होते हैं वो जनरली मीठे होते हैं, तो आप बच्चे के स्पून के सामने हल्का सा फ्रूट जूस लगा दीजिए. तो वो जब फर्स्ट उसके टंग पे टच होगा तो उसको एक मीठा सा सेंसेशन आएगा, तो वो उस चीज़ को खा लेगा. क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं मानना है कि बच्चों को मीठा जो होता है वो पसंद होता है. तो आप डिफरेंट फॉर्म्स में आप थोड़ा सा दूध को, जब हम बच्चे को योगर्ट खिलाते हैं तो हम हल्का सा मीठा उसमें डाल दो, और जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा मिष्टी दही कर दो उसको, तो अगर आप वो थोड़ा सा सामने, जैसे जिन बच्चों को दही बहुत पसंद होता है, टिप पे लगा दोगे तो वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है. पॉइंट नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. देखिए, आई डोंट नो, लाइक बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोग आज ये कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को टीवी देख के खाना खिलाते हैं या कुछ टॉयज़ देख के खाना खिलाते हैं. आपका ये प्रॉब्लम अभी के लिए तो ठीक है, ये एक हेल्दी ईटिंग हैबिट के लिए ये प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये नहीं है. क्योंकि जब आपका बच्चा टीवी देख रहा है तो वो खाने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, और आप मानोगे नहीं, इससे आपका बच्चा एक्चुअली कम खा रहा है. जब आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहा होता है तो वो उसका पूरा ध्यान खाने के ऊपर है और वो खाएगा, उसको भूख लगेगी तो वो खाएगा. कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको टीवी दिखाएं खाना खिलाने के लिए, या फिर कोई इसका टॉय दे दें खाना खिलाने के लिए. लेट हिम फोकस ऑन द खाना, उसको खाना देखने दो और खिलाओ. आप शुरू में शायद ये नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी मॉमी फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि वो लोग टीवी दिखा दिखा के खाना खिलाते हैं, बट आप अगर ये हैबिट में लाओगे तो आपके बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा है. तीसरा टिप है मेरा कि देखिए, बच्चे अपनी आँखों से भी खाना खाते हैं. आप देखो, आप मान लो मैं आपकी बात करती हूँ, जैसे कि आप मटर पनीर घर पे बनाते हो और वही मटर पनीर आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, शायद आपका टेस्ट जो होगा वो घर वाले का ज़्यादा होगा, बट आपको यार रेस्टोरेंट में खाना है. वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है. आजकल आप जानते हो, अच्छा दिखना, अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैसे ही बच्चों का भी है, बच्चे भी हमारे जैसे ही होते हैं, उनके खानों को भी आपको अच्छा दिखाना. मैं जैसे, देखिए, मैं जाचवी के बारे में आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं उसके टिफ़िन, अब वो स्कूल जाती है तो मैं काफ़ी कुछ उसके टिफ़िन में ट्राई करती रहती हूँ. उसको न्यूटेला सैंडविच बहुत पसंद है, तो मैंने एक दो बार दिया, तीसरी बार से उन्हें न्यूटेला सैंडविच खाना बंद कर दिया. तो मैं बाद में ना उसके सैंडविच में ऐसे ना दो जेम्स लगा देती थी तो वो आइस जैसे लगने लगते थे, फिर वो फिर से खाने लगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आपको आपके बच्चे के खाने में उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, उसको ज़्यादा सुंदर बनाना है देखने में, तो उससे आप देखोगे कि बच्चा खाना खाने लगेगा. बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो.
मान लो कि आप कोई पराठा है वो स्टार शेप बना दो, हार्ट शेप बना दो, पैनकेक्स है वो हार्ट शेप बना दो, कुछ शेप्स दे दो उस पर, कुछ थोड़े से कलर से डेकोरेट कर दो। आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप थोड़े से गाजर ग्रेट करके डाल दो तो वही ऑरेंज ऑरेंज दिख, थोड़ी सी कुकुम्बर ग्रेट करके डाल दो तो वो खीरा दिखने लगेगा। तो पॉइंट नंबर 3 यही है कि खाने को और सुंदर बनाइए, खाने को और प्रेजेंटेबल बनाइए। पॉइंट नंबर 4, बच्चे को खाना के साथ खेलने दो। ये जो बात थी ना, जो हमारे दादी नानी सब कहते थे कि खाने के साथ नहीं खेलना चाहिए, खाने के साथ ऐसे मत करो, वो थोड़ा पुराने ज़माने की बात हो गई। हमारे बच्चे आप जानते हो कितने न्यू जनरेशन टाइप्स हैं, तो हमें भी अपनी सोच उन्हीं के साथ बदलनी चाहिए। लेट देम प्ले विद द फूड। अगर वो खाने को एक्सप्लोर करेंगे, खाने के साथ खेलेंगे, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर हो सकेंगे और खाना खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जाशवी का मैंने हाई चेयर में हमेशा फ्रूट्स उसके ट्रे पर रख देती थी, जो भी खाने के लिए देती थी मैं उसके ट्रे पर रख देती थी। काफ़ी टाइम ऐसा बीता जब वो सिर्फ खेलती थी, इधर उधर फेंक देती थी और खाती नहीं थी। बट इन द लॉन्ग रन क्या हुआ कि जाशवी को खुद से खाने की हैबिट हो गई, वो खाना मतलब वो फ्रूट्स पसंद करने लगी। जिस चीज़ को वो इधर उधर फेंक देती थी वो अब काफ़ी टच ऑफ फ्रूट्स जो है वो लाइक करती है। तो पॉइंट हियर इज़ कि उनको उसके साथ खेलने दो, उनको उसके साथ एक्सप्लोर करने दो। वो जो उस खेल खेल में ही खुद से खाना खा लेंगे। ऑब्वियसली आपको हाइजीन का ध्यान रखना है कि आसपास जो अगर गिरा के भी खा रहे तो आसपास साफ है, ये सब आपको ध्यान रखना है, उनके हाथ भी बिल्कुल साफ हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन उनको एक्सप्लोर करने दो तो आप देखोगे कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इस पॉइंट भी इसके पहले जैसे कि जैसे आपको मैंने बोला कि बच्चे को खुद खाने दो, यही मेरा पॉइंट है एक्चुअली। कि आप ही सोचो, अगर आपके मुंह में कोई खाना ठूसते रहे तो क्या आपको पसंद आएगा? मुझे तो नहीं आएगा। मेरे को पसंद है कि मैं अपना टेबल चेयर पर बैठ के प्रॉपरली खुद से खाना खाऊं। सेम हमारे बेबीज़ के साथ है, उनको नहीं होता कि हम उनके पीछे भागते रहे, नो मैराथन चल रहा है भागते रहो और उनको फीड करते रहो। नो, उनको भी मन होता है कि प्रॉपरली आप उनको टेबल चेयर पर बिठा के जो है उनको खाना दो, उनको कंट्रोल लेने दो खाने का कि उनको खाना है। और देखिए, सब बच्चे खाना खाते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इस दुनिया में कोई भूखा नहीं रहता, तो ना ही बच्चे भी नहीं रहेंगे, वो भी खाना खाएंगे। बट अब उनको कंट्रोल तो लेने दो हाथ में, उनको खुद से खाने दो, उनको एक्सप्लोर करने दो, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज दिस ट्रिक कि हैंड ओवर कंट्रोल कीजिए, यानी कि अपने बच्चे को खुद से खाना खाने दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि हम बच्चे को ब्राइब दे सकते हैं। ब्राइब इस मामले में दे सकते हैं, मैं यहाँ जाशवी का एग्जांपल आपको बता दूँ। जाशवी को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है, तो कभी मुझे उसको कुछ और चीज़ खिलानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, उसके साइड में से स्ट्रॉबेरीज़ रख देती हूँ कि ये आपको मिलेगा, बट आप उसके पहले अपना प्रॉपर जो है वो खाना जो है वो फिनिश करो। तो जो आपके बच्चे का, हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ फेवरेट फूड तो रहता ही है, तो जो आपके बच्चे का फेवरेट फूड है आप उससे उसको थोड़ा सा ब्राइब कीजिए। और या फिर एक ये भी तरीका हो गया ब्राइब करने का, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी उसका खाना बना रहे हो, जैसे मैं क्या करती हूँ, पैनकेक वगैरह बनाती हूँ, वो ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी चिपका देती हूँ, तो बस मेरा काम बन जाता है। वो स्ट्रॉबेरी देख के वो पैनकेक भी अंदर चला जाता है। तो ये होता है एक तरीका बच्चे को खिलाने का। नेक्स्ट जो बहुत यूनिवर्सल एक ट्रूथ है कि चेंज द मेन्यू, एक ही खाना मत खिलाते रहो। ये मत सोचो कि भैया मेरे बच्चे को सूजी का हलवा पसंद है तो मैं डेली डेली सूजी का हलवा खिलाऊंगी। ये मैंने किया है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जाशवी को सूजी का हलवा, फिर उसने छोड़ दिया खाना, वो भी तंग आ गई होगी कि यार मम्मा हर रोज़ सूजी का हलवा खिलाते हो। सो बच्चे को जब तक आप दूसरी चीज़ टेस्ट नहीं कराओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसको पसंद है कि नहीं। तो उसको दूसरी दूसरी चीज़ें टेस्ट करने दो, मेन्यू में चेंज लाते रहो। फॉर एग्जांपल, अब मैं जाशवी को टिफ़िन देती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ कुछ नई नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करते रहूँ, और मैं ये देखती हूँ कि मैं इसमें बहुत सक्सेस होता है मुझे, कि जब मैं फ्रूट्स, जो रेगुलर फ्रूट्स मेरा वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स ये सब रहता है, जब मैं उसमें एक आध चेंज करती हूँ तो वो काफ़ी अच्छा होगा। कभी मैंने एप्पल भेज दिया, कभी पियर भेज दिया, फिर कभी मैं उसको, अगर मैं उसको कॉर्न देती हूँ तो कॉर्न की जगह कभी मैं उसको फ्रेंच फ्राइज देती हूँ। तो जैसे हम बड़ों को मेन्यू अलग अलग पसंद होता है, वैसे ही हमारे बच्चों को भी अलग अलग मेन्यू पसंद होता है। नेक्स्ट, अगेन दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, बच्चे को अप्रिशिएट करिए, उसको एनकरेज करिए। अगर आपका बच्चा कोई नया खाना खाता है या अपना खाना अच्छे से खा लेता है या ख़त्म करता है, तो से वेरी गुड। गुड बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो उसको बोलिए आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छे से खाना खाया। किसी भी पर्सन को अगर आप अप्रिशिएट करते हो, अगर आप उसको एनकरेज करते हो, तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि वो उस काम को और अच्छे से कर सके। और बच्चों को ये चीज़ समझ में आती है। प्लीज़ डोंट थिंक कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको एनकरेज करते हो, तो उसको समझ में आता है। नंबर 9,
जो हम बच्चे को लिक्विड्स वगैरह देते हैं, जैसे कि हम जूस देते हैं या मिल्क देते हैं, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि उसका टाइम आप एक फिक्स रखो, उसको मेन खाने के साथ मिक्स मत करो। ये नहीं कि बच्चे का लंच का टाइम हो गया है तो आप उसको जूस पकड़ा दो। बच्चे मेरी जांच भी तो बहुत ज़्यादा ऐसी है, जूस की दीवानी, तो शी वॉन्ट्स मतलब खाने के टाइम पे भी जूस दे दो, ये दे दो। मैं कोशिश लेकिन ये करती हूँ कि पहले वो अपना खाना खा ले, फिर बाद में पीना है तो पियो। जूस का भी मैंने उसका एक टाइम सेट किया हुआ है, तो जूस के टाइम पे जूस लेना है। लेकिन मेन खाने के टाइम पे अगर आप उसको कोई भी टाइप का लिक्विड दे दोगे तो बच्चों का पेट तो इतना सा है तो वो जो है वो भर जाएगा और वो मेन खाना है जो वो नहीं खाएगा। तो आपको लिक्विड्स का बहुत ध्यान देना है, स्पेशली जूस और मिल्क के बारे में, कि आप कब दे रहे हो और वो मेन जो मील है उसका, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, धीरे 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 धीरे, ये वर्ड याद रखना। बच्चों के साथ जल्दीबाजी मत करो, बहुत ही हैसल हो जाएगा। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो, ये नहीं कि एक बाइट आया तुरंत सुपरमैन के स्पीड में दूसरा बाइट आया, तीसरा आया, ऐसे मत करो। उसको ये खाना ख़त्म करने दो, उसके बाद अगर उसको वो टाइम गैप मिलेगा, वो बच्चा खुद ही आ करके खड़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट बाइट हो। तो बच्चे को हमेशा, और ये इसलिए स्लो ईटिंग हैबिट भी डेवलप होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। और स्लो ईटिंग, स्लो से मेरा एक और ये मतलब था कि धीरे धीरे, ये बच्चे को खाने की अगर प्रॉब्लम है कि कम खाता है, तो उसको धीरे धीरे ये सब ट्रिक्स आजमाइए और धीरे धीरे चाहिए, ये नहीं कि फटाफट। अगर आप धीरे कर चलोगे तो आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप एज अ मदर आप जान जाओगे कि कैसे मेरे बच्चे को मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशियस फूड भी खिलाऊँ और उसको जो टेस्ट में पसंद है वो भी खिलाऊँ, ऐसा कैसे करूँ। सो एज अ मदर आप समझ जाओगे। तो ये था मेरा कुछ ट्रिक्स जो आप लाइक, ये बहुत छोटे मोटे ट्रिक्स थे, बट अगर आप इसको अपने बच्चे की फीडिंग में इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक चेंज पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, डॉग इट बेबीज़ को अदर मॉमी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। टेक केयर पेरेंट्स, हैप्पी पेरेंटिंग।